जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे शॉर्ट वीडियो में आप लोग ने देखा ही होगा, कल हम लोग गांव में आए थे। आज संडे है, बहुत सारा काम बाकी है। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट बना दूँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच प्रिपेयर करूँगी। साइड बाय साइड जो घर का काम है वो भी कंप्लीट करना है। ये जो हमारा रूम है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ पेंटिंग बाकी है बस, वो तो देखते हैं कब होगा। तो हाँ अभी मैं चलती हूँ बाहर की तरफ। देखो छुट्टी के समय आप लोग को दिखाती थी वो एक्सटेंड किया है, तो अभी वो जो वॉल है साइड का वो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी मैं घर में होती हूँ तो पहला जो काम है चूल्हे को साफ करना, उसके बाद ही आग जलेगा उधर, और आग जलने के बाद ही मैं उधर गर्म पानी देती हूँ। गर्म पानी होने के बाद चाय बनता है हमारे घर में। हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट हो गए, हमने पी ली है चाय। तो अभी हम लोग जा रहे के देखने वाले हैं हमारे जो मुर्गी ने जाके ऊपर उधर ऊपर अंडा, हम लोग हमारे सुअर को बांधते हैं उसी के ऊपर, उस घर के ऊपर। देखो उधर जाके अंडा दे दिया उसने। चार अंडे हो गए हैं, कब से वो दे रही थी, पर जब भी वो उतरते थे एक एक अंडा गिर जाता था और वो टूट जाता था। अभी टोटल हुए हैं सिर्फ चार। वो उधर अंडा जाके देती है, ये रहा उसका घोंसला। इधर जो खेत का धान कट हो गया है उधर बाकी है, उस साइड उधर भी बाकी है। इस वाले घर को हाफ कट किया, अभी पूरा फेंकेंगे, पर सामान बाकी है इसलिए हमने किया नहीं। और ये रही मेरी सासू माँ, हमारी मम्मी जी बांध रही है झाड़ू को। फोन को चार्ज थोड़ा कर दूँ, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी, खत्म। तो आज लंच के लिए मैंने पकाया है मूंग दाल, और अभी मैं अंडा का भुर्जिया बनाऊंगी। तो उसके लिए पहले से मैंने अनियन चिल्ली और टमाटो पकने के लिए रख दिया है, और साइड के चूल्हे में मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है। हमारे जो पिताजी है मेरे ससुर जी, उन्होंने बोला वो नहाएंगे, इसीलिए मैंने गर्म पानी रखा है। और लंच होने के बाद मैं क्लीन करने वाली हूँ ये रूम आज सेट होगा कम्प्लीट। तो ये चार्जर जाके देखी आती हूँ, मैं अपना चार्जर नहीं लेके आई। तो उसके बाद आने के बाद ये रूम भी क्लीन अप करना है, मुझे सेटल करना है, जाके देखी आती हूँ। फिर मैंने पापा को दिया लंच, थोड़ा मिक्स करके देना पड़ता है बच्चों के, जैसे उनका एज हो गया है ना, तो अच्छी तरह से खा नहीं पाते, नहीं तो चबा नहीं पाते हैं। उसके बाद हम लोग ने भी लंच किया, लंच करने के बाद हम लोग ने वो रूम सेट किया, उसका क्लिप्स हमने किया नहीं क्योंकि हम दोनों ही बिजी हो गए थे। हमारे घर के पास देखो कितना सारा मशरूम निकला है, हाँ तो उसके जो ओनर है वही आके निकाल रहे थे मशरूम को। अभी बज गए हैं 5। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, अगर हम लोग गांव में आते हैं तो जो मेरा पेंटिंग काम है वो मुझे ही करना होता है। तो आज पूरा दिन मैं बिज़ी थी, रूम को सेट किया, मैं अभी इधर आई थी नहाया, अभी हम लोग जाएंगे तेलंगुरा में मार्केटिंग करने के लिए, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है उधर हमारे घर में। ये रहे हमारे बकरियाँ, इधर दो है इस साइड में, दो चार। जाओ जाओ घर में जाओ, अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये तुलसी राय बाजार और तिलमोरा जाने तक का रास्ता पूरा लाइट्स से उन्होंने डेकोरेट करके रखा था। इवन जो तिलमोरा बाजार है वो भी इतना डेकोरेशन करके रखा था लाइट से, तो ऐसा लग रहा था किसी की शादी है। पर ट्रू फैक्ट है ये, मैं आप लोग को साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम जब मैं छोटी थी उस वक्त भी मैं हॉस्टल में रहती थी। उसके बाद मैंने ये टीचिंग का जॉब किया फॉर दिवाली के समय, तो हमको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो मैंने कभी गांव में आके ये तेलमोरा तुलसी राय में जैसे वो दिवाली मनाते हैं वो देखा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे पर ये फैक्ट है। तो जब मैंने देखा तो मैं शौक हो गई। इवन शॉपकीपर्स जो है दुकानदार लोग
वो सारे जो बैठे थे वो लोग ने भी अपने शॉप्स में पूरा कैंडल जला के रखा था, कुछ लोग ने दिए जला के रखे थे। तो हाँ, मैं देख के मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो लकीली जो है इस बार 3 दिन की हमको छुट्टी मिली थी, सैटरडे जो था वो सेकंड सैटरडे था, और संडे और मंडे। संडे को मेरे रामकोट बाज़ार से मैंने मोमोज और पानी पूरी खरीदे, मुझे खाने का बहुत मन था, इसीलिए मेरे सास ससुर नहीं खाते हैं इसलिए मैंने उनके लिए नहीं खरीदा। हाँ, हो गई है हमारी मार्केटिंग, अब हम निकल रहे हैं इधर से। फाइनली घर में पहुँच गए, अभी उधर भी जाना है, थोड़ा मोमो खा लूँ पहले, मोमोज और पानी पूरी खाने के बाद जाऊंगी मैं। मुझे कुछ बहुत चटपटा खाने का मन था इसीलिए मैंने खरीदी थी ये पानी पूरी और मोमोज। तो हाँ, घर में जाके मेरी नीस लोग के साथ हमने खाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर में, उधर खाना बनाना है। आज जो है हम लोग उधर आके सोएंगे मम्मी के घर में, उधर खाना बनाने के बाद आऊँगी इधर। अभी हम लोग निकल गए घर की तरफ, घर में जाके जल्दी जल्दी खाना बनाना है, नहीं तो पापा सो जाएंगे। इधर से जो है अंकल भी आए हमारे घर में घूमने के लिए, और जिस रूम को हमने क्लीन किया था उस रूम का तो मैंने क्लिप्स लिया ही नहीं, ये रूम था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मैं फ्राई करूँगी मछली और इस साइड में पकेगा मछली, पकेगा पर ये फॉर्मेटेड फिश के साथ होगा। अभी इसमें नमक, पानी और हल्दी दिया है, जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो इसमें दूंगी चिल्ली और गार्लिक दूंगी, फिर जब वो पक जाएंगे तो जाएगा इसमें फॉर्मेटेड फिश और फिश, ये वाला फिश जाएगा। इसमें क्या है कि फैट्स है, इसी वजह से अगर इसको ऐसा पकाएगा तो टेस्टी होता है। और ये फ्राई करने के लिए हो गया है। तो ये रही मेरी सब्ज़ी, पक गई, देखा कितना सारा फैट्स है इस मछली में। जो मेरा डिनर है रेडी हो गया है, ये मेरा मोबाइल बजता है ये मेरा। मैंने डिनर पका लिया है और पापा बोल रहे हैं अभी वो खाने वाले नहीं हैं, जब मम्मी आएगी तब खाएंगे। तो मैं थोड़ा जाके घूम लेती हूँ, मेरे हस्बैंड की जो कज़िन बहन है उनके घर में जाऊँगी, पास ही में है पिंकी की मम्मी के घर में। तो हाँ, अब ये मेरा जो काम है ख़त्म हो गया है, निकलती हूँ। पूरा दिन काम कर करके थक गई हूँ, अभी मेरा हस्बैंड जो है थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने गए हैं, तो मेरा खाना पकाना हो गया है, तो मैं आ गई हूँ उधर घूमने के लिए। देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। तीतो नान्ने बुनाने, ये लोग डिनर के लिए वेजिटेबल जो है रेडी कर रहे हैं, बनाने वाले हैं बीन्स और बैम्बू शूट की सब्जी। एवरीवन वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 और देखो विलेज का व्यू आफ्टर वन मंथ मैं आई हूँ। और जिस दिन हम लोग लौटे थे यूपी से, उस वक्त भी उसी दिन हम लोग डायरेक्ट भी आए थे, पर उस दिन ठहरे नहीं थे, सुबह को आए थे और शाम को चले गए थे। तो अभी जो आए हम लोग 3 days 2 nights के लिए रुके थे। तो एक रात जो है मेरे उधर हमारे घर में हम लोग रुके, और सेकेंड नाइट जो है मेरे मम्मी लोग के घर में हम लोग रुके। आज हम लोग वापस जाएंगे चंपा नगर में। थक गई हूँ, व्लॉगिंग भी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो भी कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। मैं वीडियो क्लिप्स लेना भूल जाती हूँ। तो हाँ, देखती हूँ जो भी है आज करने वाले हैं, शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और मेरे हस्बैंड की जो कज़िन है आ जाएगी हमारे घर में घूमने के लिए, उनके मम्मी पापा आएंगे, और वो अपने गांव से आई थी, हफलोंग से आई है, तो वो अपनी बेटी के साथ आई है। तो हाँ, आज वो लोग हमारे घर में उधर घूमने आएंगे, तो हम लोग साथ में थोड़ा लंच करेंगे और उसके बाद हमको जाना है बैक टू रेंट।
आ गया देखो हीरो। ओके नो आई एम हियर बाबू बाबू कितना अच्छा है व्यू, 2-in-1 काम हो रहा है, मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं हमारे घर भी। खेत से आएंगे तो पूरा भीग जाएंगे क्योंकि ड्यू है ना अभी तो। आप लोग को जो बताया था ये है मेरे हस्बैंड की कज़िन और उसकी बेटी, अभी सो के उठी है इसलिए बात करने का मन नहीं था इससे इतना, फिर हम बात करने में बिजी हो गए थे। हमने एक साथ लंच किया और करीबन 1 बजे हम लोग गांव से निकले थे और पहुँचे 2 बजे रेंट में, और पहुँचते ही मैंने क्लीन अप किया रूम को, फिर व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो हाँ इस व्लॉग में इतना ही, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।